केरल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव तो लंबे समय से चल रहा था। आमतौर पर सरकार और राज्यपाल के टकराव में विपक्ष राज्यपाल के साथ दिखाई देता है, लेकिन केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जो कुछ किया है उससे सत्ताधारी दल के साथ ही विपक्षी दल भी भड़क उठे हैं। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और प्रदेश की सत्ताधारी लेफ्ट फ्रंट के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। राज्यपाल पर पहले ही विधानसभा से पास बिलों को रोकने के आरोप लगते रहे हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान प्रदेश सरकार पर तीखी बयानबाजी भी करते रहे हैं। और इस टकराव का असर केरल विधानसभा के बजट सत्र में भी दिखाई दिया। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। प्रदेश सरकार की ओर से इस परंपरा को निभाया भी गया। राज्यपाल के लिए 60 पेज का अभिभाषण तैयार किया गया था। आरिफ मोहम्मद खान सुबह 9 बजे तय समय पर विधानसभा पहुंचे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में ही अभिभाषण पढ़ लिया और 9:04 पर वो विधानसभा से चले गए। दरअसल राज्यपाल ने सीधे अभिभाषण का अंतिम पैराग्राफ पढ़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा के इतिहास में ये किसी राज्यपाल का अब तक का सबसे छोटा संबोधन है। खान जब विधानसभा पहुंचे तभी उनके चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा था। एक तरफ सीएम पी विजयन ने विधानसभा में उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया, तो मंत्रियों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखी गई। सिर्फ राज्यपाल के चेहरे से ये गायब थी। राज्यपाल जब विधानसभा से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया, सवाल किए, लेकिन खान हाथ जोड़कर निकल गए, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सत्ताधारी लेफ्ट फ्रंट तो इसे लेकर राज्यपाल की आलोचना कर ही रहा है। अब विपक्षी दल कांग्रेस ने भी राज्यपाल पर सदन के अपमान का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने कहा, राज्यपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम राज्यपाल की कार्रवाई को विधानसभा के प्रति पूर्ण अनादर के संकेत के रूप में देखते हैं। उन्होंने विधायी प्रक्रियाओं को और संवैधानिक निर्देशों की अवमानना की है। यह राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच राजनीतिक नाटक का दुखद अंत था। विपक्ष के उपनेता पीके कुन्हाली कुट्टी ने भी कहा कि सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया और विधानसभा का मजाक उड़ाया गया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।